नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, NTPC के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल डेटा है, RTI का रिप्लाई है। आपको समझने में सहूलियत होगी कि अगर आपका कुछ एक नंबर से अगर टाइपिंग टेस्ट पास है और कुछ नंबर से आपका मेरिट लिस्ट में नहीं नाम आया है, तो कितना चांस है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। कुछ एक आप कह सकते हैं कि DB के बाद, यानी कि DB फर्स्ट होता है ना, DB 2 होता है, DB 3 होता है, यानी कि बार बार पैनल जारी होता है। तो जिनका फर्स्ट पैनल में नाम जारी नहीं हुआ है, आपके जो ये आप कह सकते हैं कि जो टाइपिंग टेस्ट है उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें कि फर्स्ट फेज में अगर DB में आपका नाम नहीं आया है, तो कितने चांस है कि आपका नाम आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक RTI है सिलीगुड़ी से, और ये आपके CB TST जो डेटा है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हुआ है, उसका डेटा आपको दिखा रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो चीज़ें पूछी गई है कि कितना आउट ऑफ जो 694 है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है, वो लेवल 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने क्वालिफाई किए लेवल 2 में, वो पूछा गया है। और यहाँ पे आउट ऑफ 644 यानी कि 644 में लेवल 5 में शॉर्टलिस्ट किए गए थे सिलीगुड़ी में, यहाँ पे आपके कितने जो नंबर हैं वो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, टोटल 143 CBT जो है वो पास किए, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट था टाइपिंग का, वो पास हुए हैं लेवल 2 में। और लेवल 5 में देखिएगा, 164 लोग पास हुए हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज भी दिखा रखा है एकदम से क्लियरली कि जो लेवल 2 है, जितने पोस्ट हैं उसके लिए कितने लोगों को बुलाया गया था, 694 लोगों को बुलाया गया था। अपियर कितने हुए, यानी कि 539 अपियर हुए। क्वालिफाई कितने लोगों ने किया, लेवल 2 की बात कर रहे हैं, 143 लोग ने क्वालिफाई किया। परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन कितना हुआ, यानी कि कितने लोग जो है वो पास कर गए जो कंप्यूटर टेस्ट है लेवल 2 का, वो 26%, 26.5%। आप समझ सकते हैं कितना कम लोग, यानी कि 1/3 ही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। अगर हम लेवल 5 की बात करें, तो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जिसे शॉर्टलिस्ट किया गया था कि टाइपिंग टेस्ट आपको देने आना है, 644, और कितने अपीयर हुए, 511 अपीयर हुए। क्वालिफाई कितना किया, 164, यानी कि लेवल 5 में जो है वो 32% लोग ने क्वालिफाई किया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो अब इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इतना लोग ने क्वालिफाई किया, ठीक है, और सीट सपोज मान लेते हैं 80 सीट है, तो 80 लोग अभी भी इसमें जो है वो लगभग 164 की हम बात करें तो 84 लोग अभी भी जिनका कि मेरिट लिस्ट नहीं बना क्योंकि कम नंबर की वजह से। तो अब उसमें से देख सकते हैं कि सपोज कट ऑफ गया है 82, तो किन्हीं का 82.7 सॉरी 81.7 होगा या 766 होगा। तो वो अनुमान लगा सकते हैं कि अगर सेकंड पैनल आएगा तो उनका नाम आ सकता है क्योंकि वो क्वालिफाई है, और कितने क्वालिफाइड अभी भी इसमें बचे हुए हैं, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास कर गए हैं। ये तो सिर्फ सिलीगुड़ी का डेटा है। इसी तरीके से आप RTI लगाइएगा तो और भी जो जोन है उसका डेटा आपको निकल के सामने आ जाएगा। ओवरऑल कैंडिडेट की बात करें, तो जो टोटल लेवल 2 लेवल 5 में शॉर्टलिस्ट किए गए थे, यानी कि कुछ इसमें से कॉमन भी होंगे, 1338 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि लेवल 2 में भी क्वालिफाई किए होंगे और लेवल 5 में भी क्वालिफाई किए होंगे, तो दोनों का कॉमन ही आपका जो है वो टाइपिंग टेस्ट हुआ होगा। तो इसमें 1338 में सपोज मान के चल सकते हैं कि 400 लोग जो है वो कॉमन होंगे, यानी कि लेवल 2 में भी उनका नाम होगा और लेवल 5 में भी नाम होगा। तो अगर हम बात करें टोटल क्वालिफाई जो किए हैं कंप्यूटर टेस्ट, वो आपके सिलीगुड़ी जोन में, वो आपके ओवरऑल की बात करें तो 29.23% जो है वो क्वालिफाई किए लेवल 2 और लेवल 3 मिला करके, यानी कि ये जो 29% है उसमें कुछ बच्चे लेवल 2 में भी क्वालिफाई होंगे, लेवल 5 में भी क्वालिफाई होंगे। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो काफ़ी कम होते हैं, जितना बुलाए जाते हैं उससे काफ़ी कम होते हैं। आप देख सकते हो कि 30% के अराउंड, यानी कि 32%,
ठीक है, ओवरऑल 32%, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे 26%। तो ओवरऑल 30 हम मान लेते हैं कि 30% के अराउंड ही बच्चे क्वालिफाई करते हैं, और जिनका नंबर ज़्यादा है लेकिन कुछ नंबर से चूक रहे हैं, टाइपिंग में मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका भविष्य में नाम आ सकता है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। इसी तरह के ऑफिशियल जो चीज़ें हैं उसको आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश हमेशा मैं करता रहता हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।